ऑल राइट right, जी बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कंपनी अकाउंट्स नाउ कंपनी अकाउंट्स काफ़ी लंबा है स्टार्टिंग में थ्योरी है दो पार्ट्स में इसको मैं आपको दूंगी राइट तो जी थ्योरी कहाँ से आती है तो हम सबको पता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है कंपनी का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए साथ में आ रहे हैं फेलोशिप में आ रहे हैं Uh, जो कंपनी uh, शब्द बना हुआ है वो लैटिन वर्ड कॉम से बना हुआ है जिसका मतलब है कि विद uh, और टुगेदर और पैनी मतलब कि ब्रेड यानी कि आ रहे हैं साथ में किस लिए ब्रेड अर्न करने के लिए uh, रोटी के लिए पैसे के लिए ठीक है जी अब ये जो कंपनीज एक्ट है ये फॉर्म है ये कंपनी है ये फॉर्म होती है और इनकॉपरेट होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर पहले जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज थी वो प्रीवियस कंपनी लॉज में प्रीवियस कंपनी एक्ट्स में ये जो है बनी थी यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 में ठीक है अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि कंपनी का क्या क्या आपका फीचर्स mm, हैं हम लोग पढ़ पढ़ के एकदम बोर हो चुके हैं इसको सेपरेट लीगल एंटिटी है यानी कि ये और कंपनी uh, और उसका ओनर अलग होते हैं इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है यानी कि अगर ओनर मर जाता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसका ये बंद नहीं होता है परपेचुअल सक्सेशन चलती जाती है कंपनी ठीक है जी नाउ इनफैक्ट वन पर्सन के पर वन पर्सन कंपनी के केस के के में भी कंपनी चलती जाती है वाई बिकॉज वाई 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 बिकॉज वन पर्सन कंपनी में भी नॉमिनी होता है राइट right? कंपनी का जो नाम होता है अलग होता है इसका खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है सकता है ये सब कुछ कर सकता है इसका एग्जिस्टेंस ही ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग होता है और लोगों के चेंज ऑफ मेंबर्स से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब याद रखिएगा कि ये जो कंपनी है आ, इसके शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसके एक शेयर कैपिटल है उसमें जितने लोग भी ओनर्स हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं क्योंकि हर एक ओनर के पास कंपनी में हर एक मेंबर के पास एक शेयर होता है कुछ हिस्सा होता है अब दीज शेयर होल्डर्स इनके पास क्या राइट होता है इनके पास डिसीजन मेकिंग का राइट तो नहीं होता लेकिन डिसीजन मेकिंग वाले लोगों को इलेक्ट करने का इनके पास राइट डेफिनेटली होता है इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कंपनी जो होती है ये इसके जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं आपके प्राइवेट कंपनी में नहीं होते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं पब्लिक कंपनी में और कंपनी की लाइबिलिटी जो होती है डिपेंड करती है कि, कि कितनी है लिमिटेड अनलिमिटेड या फिर लिमिटेड बाय गारंटी डिपेंडिंग अपॉन की कौन से टाइप की कंपनी है तो जस्टिस मार्शल ने लॉर्ड जस्टिस हैनी ने अलग अलग डेफिनेशन दी है जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए यहाँ पर ठीक है इसको याद कर लीजिएगा सेलेन फीचर्स कंपनी के यही है कि ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है यानी कि लॉ में इसका इनकॉर्पोरेशन होता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है इसका जन्म आज सच नहीं होता है रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है उसके बिना इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी कंपनी का जन्म नहीं हो सकता है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसका मतलब है कि सेपरेट लीगल एंटिटी मेंबर अलग कंपनी अलग और ये कंपनी आप अपने आप में बहुत कुछ कर सकती है स्यू कर सकती है दूसरों को ये सेपरेट है अलग है इसके बैंक अकाउंट है खुद के ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है बेच सकती है परचेज कर सकती है सेल कर सकती है इसका कोई भी इंपैक्ट मेंबरशिप से इसको नहीं पड़ता है परपेचुअल सक्सेशन मैंने कह दिया कि डेथ इंसॉल्वेंसी चेंज ऑफ मेंबर्स से इसका जो एक्जिस्टेंस है वो परपेचुअल है इंडिपेंडेंट है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉमन सील की तो कॉमन सील की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये अब ऑप्शनल हो चुका है कॉमन सील बेसिकली क्यों है क्योंकि जो कंपनी अपने हाथ से साइन uh, नहीं कर सकती है इस वजह से होता क्या है कि कॉमन सील कॉमन सील का मतलब है कि एक ठप्पा लग दिया है जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज हैं वो कंपनी का ठप्पा यूज़ करेंगे इसका मतलब है कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिया है अब ये कंपनीज एक्ट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ जो है ऑप्शनल uh, हो चुकी है यूज ऑफ कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आप कंपनीज का कंपनी का कॉमन सील नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम दो डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी कॉमन सील मतलब कि अपना साइन कर दें कॉमन सील अब मैंडेटरी नहीं है उसके बाद बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी की तो यानी कि अगर कंपनी के साथ कुछ ऐसा हो गया कि इसकी बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी निकल करके आ गई इंसॉलमेंट हो गई कंपनी तो जो शेयर होल्डर है बेचारा जो मेम्बर है इसकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितना इसने एग्री किया था कि भैया मुझे इतने के शेयर्स अलॉट करो एक तो कंपनी लिमिटेड बाई

उसके बाद हम दस हज़ार रुपये देगा मैक्सिमम अब बात करते हैं कि ओनरशिप और मैनेजमेंट तो यार भाई सिंगल एंटिटी तो है नहीं कि मैं ही ओन करी हूँ मैं ही मैनेज करी हूँ ही डिसीजन दे रही हूँ जी नहीं ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग है यानी कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन डायरेक्टर्स कुछ होते हैं तो शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं और डायरेक्टर्स जो होते हैं वो मैनेजर होते हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन में हैं, इतने सारे लोग भसड़ करके जो है इतनी वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं ये मेरे क्लास के नोट्स में बहुत सारी चीजें लिखी हुई इसलिए सेपरेशन की रिक्वायरमेंट है कंपनी में शेयर होल्डर की और मैनेजमेंट की अलग अलग सेपरेट होने की रिक्वायरमेंट है ना हम बात करेंगे कि कंपनी कोई सिटीजन नहीं है आज सच कोई सिटीजनशिप राइट्स इसको ड्यूटीज नहीं मिलते क्योंकि नेचुरल पर्सन है ही नहीं ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन प्राइवेट कंपनी में नहीं क्योंकि उसके आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं फिर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स की बात करें तो हर एक कंपनी को कंपनीज एक्ट दो के कानून के हिसाब से अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे उनका पीरियडिक ऑडिट कराना पड़ेगा और उसके लिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से ऑडि ऑडिटर जो है चुनती है कंपनी और वो पीरियोडिक ऑडिट करते हैं ऑडिट बोलते हैं उसको फिर उसके बाद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की बात करें तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं उनके पास हक होता है कि वो बुक्स को किताबों को फाइनल अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं आर्टिकल्स Arti में ऐसा लिखा होता है ठीक है कि दे हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स अकाउंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बुक्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन अंडर स्टैट्यूट इज गवर्न बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सो राइट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स बुक ऑफ अकाउंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ बुक्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन अंडर एच इज गवर्न सो बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्टैट्यूट तो 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 ने बोल दिया है कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं ये तो आप देख ही सकते हो लॉ ने बोल दिया है कानून ने बोल दिया है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरनल अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भैया मेरे को फाइनल अकाउंट्स में किताबें देखनी है बुक्स देखना है बुक्स और फाइनल अकाउंट्स अलग अलग है ना जर्नल एंट्री देखनी है तो वो आर्टिकल डिसाइड करेगा लेकिन स्टैचूट गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप ऑडिट रिपोर्ट हो गई फाइनल अकाउंट्स हो गए उसको देख सकते हैं कोई बंदा कह रहा है हमको तो टैली की एंट्री देखनी है भैया अब टाइप ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनी जो है सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी जिसमें कि पचास से ज़्यादा यानी कि इस क्या होता है कि इसमें यहां पे 51 लिखा है जो कि गलत है सो so बेसिकली 50 परसेंट से ज्यादा 50 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए 50 परसेंट या फिर उससे ज्यादा तो यहाँ पे 51 नहीं 50 होगा तो 50 परसेंट या फिर उससे ज्यादा का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो सी जी एस जी सी जी एस जी का मिक्सचर या ओन करता हो प्लस या तो एक कंपनी जो कि कुछ नहीं बस एक सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की उसका नाम होगा गवर्नमेंट कंपनी राइट इट इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी क्यों क्योंकि एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है उसका फिफ्टी तो ये दो लेयर्स आ गई तो गवर्नमेंट कंपनी किसी और की पेरेंट है तो वो अपने आप गवर्नमेंट कंपनी बन गई नेक्स्ट हम बात करें फॉरेन कंपनी की तो फॉरेन कंपनी टू फोर्टी टू में बोलता है फॉरन कंपनी टू फोर्टी टू में बोलता है कि एक ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड है एट प्लेस आउटसाइड इंडिया लेकिन उसका बिजनेस जो है ई e मोड से डिजिटल मोड से किसी भी मोड से इंडिया में चल रहा है कंडक्ट एनी बिजनेस तभी तो हमको उससे मतलब है तभी तो हम उससे टैक्सेस लेंगे नेक्स्ट हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी टू सिक्सटी एट बोलता है कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि अपने आर्टिकल से दिल तो बच्चा है जी आर्टिकल से उसने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है ट्रांसफर ऑफ शेयर वो लिमिट करती है अपने नंबर ऑफ मेंबर्स टू हंड्रेड तक ठीक है सो दो से दो हंड्रेड मेंबर्स हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में लेकिन अगर वन परसेंट कंपनी है तो उसमें तो सिर्फ एक ही होगा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एक ही होगा फिर हम फाइनली बोल रहे हैं कि पर्सनस जो कि एम्प्लॉयमेंट में हैं पर्सन जो प्रीवियसली इम्प्लॉयमेंट में थे और उनको शेयर्स दिया गया था 200 के कैलकुलेशन में उनको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी उनको भी कर दोगे तो लिमिट खत्म हो जाएगी और ये कंपनी ऐसी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है और ये इन्विटेशन नहीं मंगाती है पब्लिक से शेयर्स का देन हम बात करें पब्लिक कंपनी की टू कहता है कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है राइट पब्लिक कंपनी इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी और बेसिकली uh, इनफैक्ट एक और बात याद रखिएगा कि प्रोवाइडेड द कंपनी विच बिज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शेल बी डीम टू बी पब्लिक कंपनी तो एक ऐसी कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसकी पब्लिक कंपनी की वो कभी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती है याद रखेगा बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इवन वेन वो अपने दिल से बच्चा है यानी कि दिल तो बच्चा है जी लेकिन तुम्हारा ओनर जो है बहुत बड़ा आदमी है बड़े लोगों से तुम्हारा रिश्ता है तो वो जो दिक्कत है तुम पब्लिक कंपनी ही कहलाओगे भले तुम दिल से प्राइवेट कंपनी हो लेकिन अगर तुम्हारे को पब्लिक कंपनी तुम पब्लिक कंपनी के सब्सिडी हो तो तुम पब्लिक कंपनी रहोगी प्राइवेट कंपनी नहीं रहोगी एक कंपनी जो कि लिस्टेड होती है और बाद में अनलिस्टेड हो जाती है सो अ कंपनी विच इज़ अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी इफ इट गेट्स अनलिस्टेड कॉन्टिन्यूज टू बी अ पब्लिक कंपनी वाई बिकॉज कंपनी के देखो पब्लिक कंपनी के जो मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक कंपनी के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं रेस्ट्रिक्शन इन द सेंस कि बहुत सारे फॉर्म फाइलिंग वगैरह करने पड़ते हैं तो अगर आपने अनलिस्टिंग करवाई लेकिन अभी भी आप फॉर्म फाइलिंग वगैरह के लिए पब्लिक कंपनी ही कहलाओगे राइट right? अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं वन पर्सन कंपनी की वन पर्सन कंपनी टू सिक्सटी टू कहता है कि एक ऐसी कंपनी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है डरेक्ट डायरेक्टर विरेक्टर बहुत हो सकते हैं लेकिन मेंबर एक है ओनर एक है स्मॉल कंपनी टू एटी फाइव में लिखा हुआ है कि एक ऐसी कंपनी स्मॉल कंपनी के ऊपर तो हम बिल्कुल अलग बात करेंगे एकदम अलग जब हम उसके अ, अमेंडमेंट्स की बात करेंगे इसके ऊपर आया है आपका अमेंडमेंट राइट नेक्स्ट हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की लिस्टेड कंपनी को भी हम अलग देखेंगे लिस्टेड कंपनी में भी आया है आपका अमेंडमेंट फिर हम बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की तो जितने बच्चे मेरे क्लास के बच्चे उनको पता है कि स्मॉल कंपनी के ऊपर एंड देन लिस्टेड कंपनी के ऊपर हमने कितना ज्यादा टाइम लगाया हुआ है राइट ये आया है अमेंडमेंट अनलिमिटेड कंपनी की बात करते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका कोई लिमिट नहीं है ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की तो इसका मतलब है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसमें लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है बाय मेमोरेंडम जितना आपने अनपे किया है फॉर एग्जाम्पल आपने दस रुपये का शेयर पचास में खरीदा लेकिन आपने बीस रुपए दे दिया तो तीस रुपये जो है वो अभी अनपेड है और वो आपको देने पड़ेंगे नेक्स्ट हम बात करें कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की तो एक ऐसी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब एक ऐसी कंपनी uh, जिसमें uh, मतलब कि अनपेड अमाउंट से, से मतलब नॉमिनल और वो अमाउंट जो होता है बेसिकली uh, उतना किसी ने लाइबिलिटी लिया हुआ है कि भैया मैं तो पांच सौ रुपए लूंगा दूंगा आपको तो अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है सो फॉर द टाइम बिंग वन कंपनी इज नॉट अप तो उसकी गारंटी अनलिमिटेड नहीं है मतलब लिमिटेड बाय गारंटी नहीं लगेगा अ कंपनी इज बिंग वाउंड अप ठीक है कंपनी वोन्ड अप नहीं हुई है एकदम बढ़िया से चल रही है तो अभी जितना आपका अनपेड है सिर्फ आप उतना मंगाओगे लेकिन लेट सपोज कंपनी वाइंड अप हो गई तो देखा जाएगा खोल करके कि आपने कितनी की लाइबिलिटी ली थी पाँच सौ की पांच हजार की उतना चलो वापस लेकर के आओ नेक्स्ट हम बात करें होल्डिंग कंपनी की तो होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है इन रिलेशन टू अदर कंपनी जो किसी और कंपनी का फिफ्टी से ज्यादा का शेयर्स होल्ड करती है क्योंकि तो विदैट और भी चीजें होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन uh, को इम्पैक्ट करते हो एट्सट्रा सब्सिडी कंपनी का मतलब है अब देखिए सब्सिडी कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी दूसरी कंपनी की मैं सब्सिडी कंपनी हूं जब वो दूसरी कंपनी या तो या तो या तो 50% परसेंट से ज्यादा यानी कि वन हाफ से ज्यादा का टोटल शेयर कैपिटल ओन करती है किसी और के साथ अकेले भी किसी और के साथ भी प्लस नंबर टू आ, मतलब अकेरिया किसी और के साथ मतलब अपनी दूसरी सब्सिडरीज के साथ या फिर नंबर टू शेयर कैपिटल वगैरह नहीं वोटिंग पावर वगैरह नहीं लेकिन वो कंपनी जो है मेरे आ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन को कौन आएगा कौन जाएगा उसको कंट्रोल करती हूँ तो मैं उसकी सब्सिडरी हो गई राइट अच्छा जी फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट कंट्रोल भी आएगा यहां पे पावर टू अपॉइंट और रिमूव भी आएगा नेक्स्ट हम बात मेंटेनेंस की सेक्शन 128 बोलता है कि हर एक कंपनी को 122, 129 बहुत इंपॉर्टेंट है है 128 बोलता है कि हर एक कंपनी को बनाने हैं और रखने हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर रेलवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देगा ट्रू एंड फेयर व्यू देगा ट्रू एंड फेयर व्यू देगा Of the state of affairs of the company, including that of its branch office.

कि जो बैलेंस शीट और ये सब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से शेड्यूल थ्री के हिसाब से बताना पड़ेगा राइट right? और ये जो होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है ले करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग टू बोलता है ऐसा ओ माय गॉड फिर उसके बाद देखिए जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू दे इसके ऊपर एक और चीज है कि याद रखिएगा कि बिग कंपनी बैंकिंग इंश्योरेंस जनरेशन ऑफ जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और दूसरी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है ये कंपनी शेड्यूल थ्री नहीं फॉलो करेंगी अपनी रेस्पेक्टिव एक्ट फॉलो करेंगी और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो शेड्यूल शड्यूल थ्री का पार्ट नंबर वन बैलेंस शीट के लिए और पार्ट नंबर टू पी के लिए फॉलो करेंगी नेक्स्ट हम बात करें ये कंपनीज जो है वन के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करना मैंडेटरी है अब तो इंडियास गया है और 129 ट्वेंटी ये कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी करती हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां पे दिया हुआ है सेक्शन 133 में दिया हुआ है ठीक है जी तो कंप्लाई करना है ए से कंप्लाई करना है शेड्यूल थ्री से शेड्यूल थ्री भी कहता है कि ए को कंप्लाई करना है और ए दिया हुआ है वन सेक्शन में नेक्स्ट देखो जी इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि पार्ट वन फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट नेम ऑफ द कंपनी बैलेंस शीट हम लोग बीच में लिख देते हैं बट आप ऊपर लिखना एकदम प्रॉपर पर्टिकुलर नोट नंबर करंट पीरियड और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी होगा ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इक्विटी लाइबिलिटी असेट और ये हो गया इसको बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा याद करना भाई फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार इसके ऊपर नजर डाल लेना कि क्या चीज़ किस में आती है नोट्स में मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बहुत व्यूज आए आया उसमें मैंने बोला है कि भैया फॉर्मेट से कम से कम तीन चार नंबर ही बढ़ जाएंगे बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि आपने भाई टाइम लगाया हुआ है पार्ट टू अपना फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ठीक है पी मत लिख देना फॉर्म ऑफ एस पी एल फॉर्म ऑफ एस पी एल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नेम ऑफ द कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड

तो यूनिट नंबर वन हमने कंप्लीट कर लिया फटाफट -फड़ से देखते हैं सो so बेसिकली अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी तो हम लोग बोलेंगे बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी कि फटाफट से पब्लिक से पैसे पब्लिक से बोलने के लिए कि भैया आप शेयर्स खरीद लो फॉर इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक यू हैव टू काइंड ऑफ इशू योर प्रोस्पेक्टस उसमें सब कुछ लिखा होगा अब ये तीन तरीके का होता है अगर फुल सब्सक्रिप्शन आ गया राइट right, अब फुल सब्सक्रिप्शन आ गया तो अलॉटमेंट ले लेंगे अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आया यानी कि जितने की आपने एप्लीकेशन डाली उससे कि कम लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई करी तो इसमें दो बातें आती हैं कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव नहीं हुआ तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो डायरेक्टर्स अलॉटमेंट कर देंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव नहीं हुआ है तो जो एप्लीकेशन मनी है बेजती हो गई और एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा मैम ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये अकाउंट्स में नहीं है ये लॉ में है अब हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि मतलब जितना का आपको सब्सक्रिप्शन बेसिकली रिसीव होना था कहने का मतलब कि उससे बहुत ज़्यादा हो गया अब लोग आपके आईपीओ के लिए बहुत एक्साइटेड हैं तो आप प्रो अलॉटमेंट कर देंगे और जितना बाकी का मैम पैसा है वो या तो उसको रख लेंगे क्योंकि आगे जा करके यार देखो वो तो करना ही है फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल वगैरह करना ही है या तो फिर आप अलॉटमेंट मनी को फर्दर कॉल्स के लिए रखे रहो या तो आज वापस कर दो वैसे लोग रखे रहते हैं क्योंकि कल को फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे इसके बाद हम बात कर रहे हैं आ, हाँ शेयर्स जो है इशू होते हैं एट अ डिस्काउंट एट अ प्रीमियम उन्हीं सब की हमको एंट्री करनी है राइट ओके okay, जी सेक्शन फिफ्टी थ्री के हिसाब से कंपनी जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है शेयर्स को याद रखिएगा डिस्काउंट पे कभी शेयर्स इशू नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट द स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड देर फॉर एनी इशू ऑन डिस्काउंट बाय कंपनी विल बी वॉइड कंप्लीटली बहुत जरूरी बात है ओके okay. तो ये सब तो एकदम बेसिक है कि कैपिटल की क्यों जरूरत होती है कैपिटल से ही बिजनेस आगे चलता है और ये नॉन कॉपरेट फॉर्म की एंटिटी है इसको जरूर देख ली जाएगी सोल प्रोप्राइटर होता है वो अकेला होता है बिजनेस में उसकी कैपिटल को कैपिटल कहते हैं उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर की पार्टनर्स जो होते हैं उसमें ओनरशिप पार्टनर्स की होती है पार्टनर कैपिटल कहते हैं लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है देन कंपनी में जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं इसी टाइप की कैपिटल शेयर कैपिटल होती है और यहाँ पे इट इज़ लिमिटेड टू लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू दी अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर नॉमिनल या फिर अगर अनलिमिटेड है या फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो ये सब बहुत ही बेसिक है बुक बिल्डिंग यहां पे इंपॉर्टेंट है कि शेयर का मतलब क्या होता है बुक बिल्डिंग कौन सा प्रोसेस होता है बुक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो बुक बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कंपनी जो है डिटरमाइन करती है अपने शेयर प्राइस इस मेथड में कंपनी डिटरमाइन करती है एक प्राइस बैंड एक नहीं एक प्राइस बैंड होता है शेयर्स का और ये बिड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फिर एग्जाम्पल आप कितने में लेंगे आप कितने मिलेंगे आप कितने में लेंगे आप कितने में लेंगे तो इससे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से जो बिड्स रिसीव होती हैं आ सकता है थ्योरी में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स से जो बिड्स रिसीव होती हैं वेरियस प्राइसेस उसके बिहाफ पे हम जो है एक बैंड फिक्स कर देते हैं इसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग फर्स्ट प्रोसेस और फाइनली जो है डिसाइड होता है कि एक इशू प्राइस जिस पे इशू होगा सबको तो ये सारी चीजें जो होती हैं इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह सेबी जो है गवर्न करती है सेबी की रेगुलेशंस अब दोस्तों ऑथराइज कैपिटल होती है इशूड कैपिटल होती है नाउ <coughs> जो इशू हो सकती है वो कैश पे या फिर कंसिड्रेशन अदर देन कैश पे फिर उसके बाद बैलेंस शीट पे आप नॉमिनल वैल्यू पे दिखाते हो शेयर कैपिटल को जो बचा हुआ पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाते हो फिर इशूड के बाद जो चीज़ इशू नहीं हुई है अभी ऑथराइज्ड में ही है सो so, ऑथराइज का मतलब जो थ्रू आउट द लाइफ कंपनी इशू कर पाएगी और जो अदर देन इशूड है वो अन इशूड हो गया फिर इशूड में से जो सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब्ड हुआ उसमें से जो अभी कॉल किया वो कॉल्ड अप हुआ कॉल्ड अप में से जो अभी पे हुआ।, हुआ वो पेड अप हुआ अभी नहीं पे हुआ वो कॉल इन अरियर हुआ और बाकी कुछ चीजें अगर पहले मिल गई तो कॉल इन एडवांस हो गया या फिर कॉल इन जो अभी नहीं मिला हुआ है ये सब तो हम लोगों ने क्लास के नोट्स में था reserve share capital और कैपिटल तो मतलब रिजर्व का मतलब है रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब हो गया कि क्या रिजर्व कैपिटल का मतलब है सिक्सटी के हिसाब से यानी कि आपने सोचा कि आप हर बार आ, रिजर्व शेयर कैपिटल यानी कि आप बोल रहे हो कि ये जो शेयर कैपिटल है एक रेजोल्यूशन पास हो गया है सब्सक्राइब्ड याद रखिएगा इस बात को सब्सक्राइब्ड अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कॉल अप नहीं होगा जब तक वाइंडिंग अप नहीं हो जाती है सो द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच ए कंपनी हैज डिसाइडेड टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल राइट एवरीबडी कैपिटल रिजर्व की बात करें तो ये रिजर्व कैपिटल से डिफरेंट है ठीक तो हम लोगों ने रिजर्व कैपिटल बढ़ा रिजर्व कैपिटल में क्या है रिजर्व कैपिटल रिजर्व क्या है रिजर्व है, है. है? है. है? है तो रिजर्व क्या होता है रिजर्व एंड प्लस का पार्ट होता है जो कि हम लोग उसको बांट नहीं सकते प्रॉफिट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते डिविडेंड ठीक है सिर्फ का का इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल आप पिगी बैंक में कुछ पैसे संभाल करके रखते हो राइट right? तो बस अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे देखो तो ये जो पहला क्वेश्चन है बैलेंस शीट का ये कुछ भी नहीं है फॉर्मेट है अगर आपको फॉर्मेट आता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे ऑथराइज इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल जो है हर जगह लिखना पड़ता है नोट्स टू अकाउंट्स में अब हम टाइप्स पूरा नहीं पढ़ रहे हैं ये इस, इसमें आप क्लास देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो प्रेफरेंस होते हैं देन क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग हम लोगों ने प्रेफरेंस को क्या बोला चाचा चाची इक्विटी क्या है माँ बाप लोन क्या है दूर के रिश्तेदार नॉन पार्टिसिपेटिंग रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल और इक्विटी uh, शेयर्स फिर होते हैं और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट तो हम नॉन क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल और रिडीमेबल मानेंगे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो नॉन क्यूमुलेटिव नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल कैश पे भी इशू होते हैं शेयर्स नो नो डाउट प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कुछ प्री सिलेक्टेड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स यानी कि पब्लिक नहीं है पब्लिक को शेयर्स नहीं दे रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि कुछ प्री सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम पैसे उठा रहे हैं सो so, प्राइवेट अंदर ही प्लेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक कंपनीज जो हैं प्रोस्पेक्टिस इशू करती है और जनरल पब्लिक को आ, बुलाती हैं फिर उसके बाद ये सब हो गया अब जो पैसे आते हैं तो वो शेड्यूल्ड बैंक में जाते हैं कंपनी uh, के पास जो पैसे आते हैं अलॉटमेंट के पहले वो शेड्यूल्ड बैंक में जाते हैं सेक्शन थर्टी नाइन कहता है कि एप्लीकेशन मनी मस्ट बी एट लीस्ट फाइव परसेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू याद रखना एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए कम से कम जो नॉमिनल वैल्यू है दस रुपए अगर पेड अप नॉमिनल वैल्यू है तो उसका कम से कम पांच आपका एप्लीकेशन मनी होना चाहिए राइट right? ओके okay. मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में बेसिकली 90 परसेंट से कम हुआ तो बेजती हो गई है फिर रिफंड करना पड़ेगा आप नहीं कर सकते कब रिफंड करना पड़ेगा इसको एक बार देख लीजिए और ये सब मैंने एकदम प्रॉपरली क्लास में आपको बताया हुआ है मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बता रही हूँ ठीक है तो थर्टी के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कम से कम पांच होना चाहिए फेस वैल्यू का हाउ सभी रेगुलेशन के हिसाब से मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू बी पेड बाय एप्लीकेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी शेड नॉट बी लेस देन ट्वेंटी इशू प्राइस अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द कंपनीज एक्ट Uh, matters related to issue and transfer of securities will be administered by SEBI and not by Company Law Board. अब हम बात करते हैं मेनली जर्नल एंट्री की तो जैसे ही हमारे पास पैसा आएगा शेयर्स इश्यू हुए पैसा आया तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट फिर अलॉटमेंट करेंगे हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो शेयर एप्लीकेशन हमेशा होगा सबसे पहले फिर शेयर एप्लीकेशन को आप डालोगे शेयर कैपिटल में सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फिर शेयर एप्लीकेशन पहले करते हैं और फिर उसके बाद शेयर कैपिटल में डालते हैं लेकिन शेयर एप्लीकेशन के बाद जितने भी हैं अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल इन सब में पहले कैपिटल में डालते हैं फिर पैसा आता है लेकिन शेयर एप्लीकेशन में उल्टा है सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल राइट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल देन आपने क्या किया एक और चीज शेयर शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल ड्यू किया फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट ठीक है अलग अलग भी कर सकते हैं फिर शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल बैंक टू शेयर कॉल राइट दैट्स इट अब सब्सक्रिप्शन की बात करें फुल्ली सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कुछ हम लोगों ने देखा था कि लेट सपोज की फुल सब्सक्रिप्शन होता है तो कोई बात नहीं उतना अलॉट कर दो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है आपका तो आपने क्या करना है अंडर सब्सक्रिप्शन होता है तो पैसे को वापस कर देंगे या फिर हम लोग आगे आने वाले वक्त में अलॉटमेंट से पैसे को रखे रहेंगे बैंक में अलॉटमेंट से उसको एडजस्ट कर लेंगे ठीक है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नेक्स्ट हम बात करें अंडर सब्सक्रिप्शन की अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि भाई जितना हम लोगों ने ऑफर किया था उससे कम आए हैं और मिनिमम देखो अगर क्वेश्चन में नाइन्टी परसेंट आपको चेक नहीं करना है अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो चुपचाप पूरा सॉल्व करना और अगर आपको लगता है कि यार ये तो जो कंपनी ने भेजा था उससे नाइन्टी परसेंट से कम है और मैम ने तो बताया था कि नाइन्टी परसेंट आना चाहिए वरना बेजती थी आप नीचे नोट्स में लिख देना वो आपसे अकाउंट्स में लॉ नहीं चाहते हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप अकाउंट्स में अकाउंट्स लिख करके आओ जर्नल एंट्री सॉल्व करके आओ तो आप क्या करोगे यू विल सिंपली राइट अ नोट नीचे ठीक है ओवर सब्सक्रिप्शन की बात हो गई है <coughs> अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है तो ऑफ कोर्स कुछ एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है उनका पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर अकाउंट ठीक है तो अभी सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ द शेयर्स अप्लाई हो रहे हैं तो बाकी अमाउंट को हम लोगों ने रिफंड कर दिया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल इन एडवांस जो अमाउंट रिसीव्ड है और कुछ पैसा वापस भी कर दिया बैंक अकाउंट ओके okay, गोल cool. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कैसे जो शेयर एप्लीकेशन वाला पैसा है शेयर एप्लीकेशन का पैसा इट हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट आल्सो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल एंड एडवांस टू बैंक अकाउंट चले जी ये सब हो गया है इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया था शेयर्स इशू रैड डिस्काउंट की बात करते हैं सो बेसिकली शेयर्स तो आप लोग 53 के हिसाब से डिस्काउंट पे इशू कर ही नहीं सकते हैं वैसे डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो भी पार uh, वैल्यू है माइनस जो इशू वैल्यू है प्रीमियम के अंदर अगर हम बात करें तो प्रीमियम का मतलब है कि जो स्ट्रांग वेल मेंटेन्ड कंपनीज़ होती हैं वेल मैनेज्ड कंपनीज़ होती हैं जिसको बाहर वाले बहुत ऊंचा देखते हैं उनकी गुडविल बहुत ऊंची देखते हैं तो वो लोग जनरली क्या करते हैं कि जो नॉमिनल वैल्यू है उससे ऊंचे पे बेचते हैं राइट सो दैट इज कॉल्ड प्रीमियम और प्रीमियम जो होता है वो पैसा कभी भी मंगाया जा सकता है अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में और जैसे जैसे वो आता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है जो कि शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है क्योंकि उसको हम लोग एक गेन मानते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस होता है और रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया जाता है बैलेंस शीट में शेड्यूल थ्री में ओके okay. अच्छा सेक्शन फिफ्टी टू बोलता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को आप किस किस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं उसको प्लीज देख लीजिएगा नाउ अगर प्रीमियम अकाउंट अब Uh, आपकी जो जर्नल जो एंट्री होगी हम यहाँ पे जर्नल एंट्री देख रहे हैं राइट तो प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम मनी कहां पे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है दैट इज क्या वो एप्लीकेशन मनी के साथ आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन तो आप करोगे ही uh, उसके बाद आप एप्लीकेशन मनी को बेसिकली आपने क्या किया कि शेयर एप्लीकेशन मनी आया राइट तो सबसे पहले बैंक की एंट्री होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन और को आपने डाला शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर अलॉटमेंट से आ रहा है तो पहले ही डिफरेंशिएट कर दो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि इनका तो अलग चलता है फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ठीक है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस में आ रहा है ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए थे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो डाटा अलॉटमेंट में बस क्या होता है कि अगर आपके ज्यादा पैसे आ गए हैं ओवर सब्सक्राइब हो गया और कुछ एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो पैसा वापस कर दीजिए या फिर रिफंड कर दीजिए यानी कि आप क्या कर सकते हैं रिजेक्टेड एप्लीकेशन के लिए शेयर एप्लीकेशन टू बैंक कर सकते हैं या फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट कर सकते हैं राइट ये काफी अच्छी जर्नल एंट्री है एक्सेस को हम एडजस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ये करने के बाद आपकी बात आ रही है कॉल्स इन अरियर्स की और कॉल्स इन एडवांस की तो कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस के हम एंट्री कर रहे हैं सो so बेसिकली अगर पैसा नहीं मिला है तो दैट्स कॉल्स इन अरियर्स अगर पैसा मिला है जल्दी मिल गया है दैट्स कॉल इन एडवांस ठीक है कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन अरियर तो आपकी एंट्री क्या है कॉल्स इन अरियर्स की सो so, आपको आपने ड्यू कर दिया मान लेते हैं शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया तो आपकी एंट्री हो गई हुई शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल राइट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल फिर आपको पैसा मिलना था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट बट आपने कल क्या दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट तो हुआ लेकिन कुछ पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन अरियर राइट टोटल अलॉटमेंट ड्यू एंड टोटल कॉल मनी ड्यू तो जो जो क्या क्या मनी मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे वो चीज आएंगे जो कि ड्यू है आपकी कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस फिर कॉल्स इन एडवांस बैंक टू पर्टिकुलर कॉल नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की तो बेसिकली टेबल एफ बोलता है कि 10 परसेंट आपके मैक्सिमम रेट हैं कॉल इन अरियर के और 12 परसेंट आपको कंपनी को देना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस पे 10 परसेंट लेते हैं 12 परसेंट देते हैं ओके okay, <clears throat> तो फिर उसके बाद अब हम लोग ग, अगर इनसे हम लोगों को इंटरेस्ट लेना है तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो गए वाई बिकॉज जस्ट एक डेटर है और कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट हो गई इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर दैट्स एन इनकम फिर उसके बाद जो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट फिर इंटरेस्ट अगर ड्यू है सो दैट विल बी इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल हमको देना है तो मेरे लिए एक खर्चा हो गया कंपनी के लिए खर्चा हो गया इंटरेस्ट डेबिट टू शेयर होल्डर्स क्योंकि वो क्रेडर हो गए और फिर पैसे देंगे तो शेयर होल्डर्स टू बैंक नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर फीचर की तो फोर फीचर की अगर हम बात करें तो फोर फीचर बहुत सिंपल है फोर फीचर की तो बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से की है सो बेसिकली लेट्स सपोज कि वो पैसे जो शेयर होल्डर नहीं दे रहा है तो हम उसके शेयर्स को फोरफीट कर ले रहे हैं सो फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार राइट तो एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीटेड शेयर पता कि फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ ना कि हम लोगों ने फोरफीट कर लिया शेयर तो अब हम इसकी लाइबिलिटी लेंगे ही नहीं शेयर होल्डर की हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं आई एम सो सॉरी बार बार लाइट जा रही है सो so बेसिकली जो टू शेयर कैपिटल है टू शेयर कैपिटल विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट राइट और जो आपके जो पैसा मिला है दैट विल गो टू फोर फीटेड शेयर अकाउंट यानी कि जो अमाउंट हम लोग को रिसीव हो चुका है वो फोर फीटेड इसमें मैंने बहुत क्लियरली आप लोग को बताया था कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोर फीटेड शेयर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल यानी कि जो पैसा मिल चुका है आप बस गिव मी अमेंट और राइट तो अब बात करते हैं कि ये हम लोगों ने फोर फीचर अकाउंट में डाल दिया ठीक है इसके एंट्रीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझी दी कि याद रखेगा एक बहुत ज़रूरी बात को कि जब हम फोर फीचर करते हैं तो दो टाइप के फोर्थ फीचर में दो टाइप के केसेज होते हैं पहला जब कोई प्रीमियम कलेक्ट हुआ था और दूसरा जब कोई प्रीमियम कलेक्ट ही नहीं हुआ था राइट तो अगर प्रीमियम देखो जी ये आप पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम तो प्रीमियम पे अगर इशू हुए थे तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रीमियम पे इश्यू हुए थे फिर उसके आगे दो केसेस देखने हैं कि क्या प्रीमियम रिसीव हुआ था क्या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था अगर प्रीमियम रिसीव हुआ था तो हम लोग उसको कैंसिल नहीं कर सकते प्रीमियम के नॉट बी कैंसिल लेकिन अगर प्रीमियम 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 रिसीव नहीं हुआ है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट राइट और अगर प्रीमियम रिसीव हुआ था तो याद रखेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा शेयर प्रीमियम अकाउंट बिल्कुल भी नहीं होगा टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट ये सेम चलेगा प्रीमियम इफ रिसीव नॉट बी कैंसल्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से बार बार बताया था अच्छा जी अब री इश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर की बात करते हैं तो हमें वापस से पैसे मिल रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट और इसके ऊपर हमने भारी टाइम स्पेंड किया था कि कैसे हम लॉस के अमाउंट को निकालते हैं फॉर एग्जांपल हमें मिनिमम प्राइस देखना है देखिए इसको मैं पूरा समझाती हूँ अ फोरफीटेड शेयर इज मेनली अ शेयर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर सेल एंड रिमेन्स वेस्टेड इन द कंपनी फॉर दैट पर्पज ओनली री इश्यू ऑफ फोरफीटेड शेयर इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट ओनली अ सेल ठीक है पहली बात Now, the share after forfeiture in the hands of the company is subject to an obligation to dispose it off. In practice, forfeited shares are disposed of by action. These shares can be reissued at any price so long as the total amount received from original allottee. एंड सेकेंड परचेजर फॉर दोस द अमाउंट इन एरियर यानी कि यह मैंने आपको समझाया था जर्नल एंट्री को साइड में रखो मान लेते ओरिजिनल था दस रुपए ठीक है और फिर उसके बाद तीन रुपए रिसीव हुआ लेकिन सात रुपए रिसीव नहीं हुआ तो हम लोगों ने फोरफीट कर लिया अब इसके बाद मान लेते हैं कि नेक्स्ट आप जब वापस दे रहे हो तो वो तीन रुपए में दे रहे हो तो एरियर कितना है एरियर है सात रुपए तो आप देखो कि पहले से कितना मिला था तीन बाजू वाले से कितना मिला तीन प्लस तीन प्लस तीन है. क्या ये एरियर से कम है जी हाँ एरियर से कम है इसलिए इसको नहीं कर सकते हैं हम तो जो प्राइस ऑन रीसेल है इट शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट भी इक्वल टू जो सात रुपए के इक्वल होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू अमाउंट ओरिजिनल रिसीव प्लस फ्रॉम द सेकेंड सेल्स यानी कि कह सकते हैं कि तीन तो हमें मिल गया और सात तक लाने के लिए चार या फिर चार से ज्यादा हमें करना पड़ेगा राइट यह बात होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट फोर फिटेड टू शेयर कैपिटल और फिर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बिंग द प्रॉफिट ऑन रीशू प्रॉफिट ऑन रीशू ट्रांसफर करेंगे तो अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज मेरा कंपनी का लेक्चर खोलिए और कंपनी के लेक्चर में इस पोर्शन को एटलीस्ट बहुत अच्छे से करिए मैंने बहुत ढंग से पढ़ाया हुआ है प्रॉफिट ऑन रीशू के बहुत सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं चलिए जी ये सारी बातें हो गई हैं फिर कंसिड्रेशन अदर देन कैश यहाँ पे खत्म हो जाएगा सो so बेसिकली जो पब्लिक कंपनीज होती हैं डायरेक्टली कुछ लैंड और वगैरह एक्सचेंज करके भी कर सकती हैं तो लेट्स सपोज कि हमें कैश नहीं मिल रहा है हमें असेट मिल जा रहा है हमें लैंड मिल रहा है तो हम क्या करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट या फिर अेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल राइट सो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जनरली इशू देर शेयर फॉर कैश एंड यूज सच कैश टू बाय द वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स इन द बिजनेस समटाइम्स अ कंपनी में इशू शेयर इन डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ लैंड बिल्डिंग दे आर टू बी शोन सेपरेटली अंडर द हेडिंग कैपिटल शेयर कैपिटल राइट और बस एंट्री यही है कि एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इसकी भी हम लोगों ने क्वेश्चन कर ली थी और ये खत्म होता है इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगी ओके okay जी सो नेक्स्ट अब लेट्स टॉक अबाउट डिबेंचर्स डिबेंचर्स भी बहुत आसान है सो so डिबेंचर्स में हमारे पास बहुत कैटेगरी के डिबेंचर्स हैं जो आपको देखने हैं ठीक है जी बहुत सारे कैटेगरी ऑफ डिबेंचर्स हैं जिसकी बात हम लोगों ने कर ली थी ना डिबेंचर इसलिए होता है जैसे कि हम सप्लीमेंट कर सकें अपनी कैपिटल को फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्विटी है या फिर हमारे पास यू uh, नो you know, प्रेफरेंस है उसके बाद हम डिबेंचर्स लेकर के आ सकें कि एक ओनरशिप uh, ना देनी पड़े बेसिकली ये सिर्फ रीज़न होता है ठीक है फीचर्स वगैरह आप देख लोगे कि रुको मैं बता देती हूँ जिससे कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े तो डिबेंचर्स के टाइप्स के हैं ऑन द बेस ऑफ सिक्योरिटी ऑन द बेस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ परमानेंस ऑन द बेस ऑफ नेगोशिएबिलिटी एंड प्रायोरिटी इतने सारे हैं फर्स्ट मॉर्गेज सेकेंड सेकेंड मॉर्गेज रिडीमेबल रजिस्टर्ड बेरर परमानेंस एंड ऑल तो अब जो डिबेंचर है बेसिकली शेयर कैपिटल तो ज़रूरी है ही ग्रोइंग नीड्स के लिए लेकिन कभी कभी शेयर कैपिटल सफिशेंट नहीं होती और हम नहीं चाहते कि हम और अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करें राइट तो हमें क्या करना है हमें डेट फाइनेंसिंग लेकर के आनी है जिससे कि ना सिर्फ हमारी ओनरशिप पे इम्पैक्ट ना पड़े और दूसरा हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो सके और एक कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्स करने के लिए बढ़िया से हम लोग डिवेंचर लेकर के आते हैं डिवेंचर बहुत ही कॉमनली यूज डेट इंस्ट्रूमेंट है टू रेज द फंड फॉर बिजनेस अब हम बात करते हैं मीनिंग की तो हम लोगों ने मीनिंग आपको बता दी है इसमें बस एक होता है कि टेन परसेंट डिवेंचर ट्वेल्व परसेंट डिबेंचर तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है राइट right? उसके बाद डिवेंचर में डिवेंचर स्टॉक हो सकते हैं डिवेंचर बॉन्ड्स हो सकते हैं और दूसरी उधर चीज जो कि डेट की तरह डिवेंचर की तरह ही लगती है ठीक नाउ कंपनी जो है शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स क्या बात है मतलब कंपनी जो है कैरी नो होगा ना अच्छा नो कंपनी शायद इशू एनी डिवेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट भाई मैंने कहा कि डिवेंचर में वोटिंग राइट्स कब से आएगा डिवेंचर में वोटिंग राइट नहीं होते तभी तो भाई आप वोटिंग आप उनको इज्जत ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी बस एक डेट की तरह हो आप लोग इक्विटी की तरह बिल्कुल मत बनना फीचर्स की बात करें तो एक काइंड ऑफ लोन होता है फिक्स इंटरेस्ट होता है पता होता है कंपनी को कि इतना इतना देना है प्रॉब्लम ये होती है कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं होते कैश नहीं होते तो ये बहुत हर्ट करता है क्योंकि फिक्स रेट है देना ही देना है और प्रिंसिपल भी देना है इंटरेस्ट भी चुकाना हुआ है कभी कभी सिक्योर्ड होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर डेट मिला तो कंपनी की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर ये सिक्योर कर खुद को ठीक है इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेस इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज डिस्टिंक्शन की बात करें डिवेंचर्स एंड शेयर्स की तो ये कुछ हैं शेयर होल्डर्स जो हैं ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है वेरिएबल रेट पे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स हो सकते हैं इनको जो पैसे मिलते हैं वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है डिविडेंड होता है दो टाइप के शेयर्स होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस ये शेयर होल्डर फंड्स में दिखाता है इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इनको फोरफीड किया जा सकता है अगर पेमेंट नहीं मिला है अलॉटमेंट बनी का और इनको अपना पैसा वापस नहीं मिलता है बिफोर लिक्विडेशन ये चाहे तो आपस में सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं और इनको सबसे आखिरी में पैसा मिलता है वहीं डिवेंचर की बात करें तो ये काइंड ऑफ क्रेडिटर्स हो गए लोन गिवर्स होगा इनके पास कोई वोटिंग राइट right नहीं होता है कोई थ्रेट नहीं होता है डिवेंचर जो होते हैं सबसे आगे

पार पे इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं या फिर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं रिडीम कर रहे हैं पार पे प्रीमियम पे के डिस्काउंट पे बस यही छह तरीके के परमोटेशन कॉम्बिनेशन हैं तो अगर आपको एप्लीकेशन मनी मिल रहा है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन और ट्रांसफर करोगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू एक्स परसेंट डिवेंचर्स क्या ये सेम नहीं है शेयर एप्लीकेशन की तरह सेम टू सेम है इसके बाद मान लेते हैं कि इसको हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं पार या फिर डिस्काउंट पे ठीक है डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं पार डिस्काउंट पे तो डिबेंचर्स को अगर हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे तो देखो जी एप्लीकेशन बनी तो मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन इस पहली एंट्री को कोई इधर से उधर कर ही नहीं सकता उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन टू इशू ऑफ डिबेंचर्स और डिस्काउंट सो बेसिकली डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स तो पूरा होगा सौ रुपए का लेकिन लेट सपोज आपको पैसे मिले हैं अस्सी तो डिस्काउंट ऑन ऑफ डिबेंचर्स ट्वेंटी जाएगा वो पीएल में चला जाएगा अब मान लेते हैं कि हम लोगों ने इशू किया प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हैं पार पे पहला क्या था यार पहला था इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार तो रिडीमेबल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोगों ने इशू एट पार कर लिया इशू एट डिस्काउंट कर लिया और अब इशू एट प्रीमियम की बात करते हैं इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू अकाउंटर एप्लीकेशन डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिचर एक्सपोर्स एडवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम तो देखो कहने का मतलब है डिस्काउंट होगा बाप बूझी तो यहां पे आ जाएगा रिजर्व होगा तो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है ओके okay. तो 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 नाउ वेन इशूड एट पार प्रीमियम तो इशू कर रहे हैं पार पे बैंक तो देवेंचर अप्रिकेशन, देवेंचर अप्रिकेशन तो अब देखिएगा कर रहे हैं तो ये कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू एक्सपर्सेंट डिवेंचर टू डिचर रिडेमशन प्रीमियम तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ मान लेते हैं हम लोग को पैसे मिल रहे हैं ना और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ जी तो हम लोग क्या कर रहे हैं रिडीमेबल की एंट्री है कि क्या है भैया डिबेंचर इशूड एट पार इशूड एट पार तो हमको पैसे मिले रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मैंने ये ये आ, ये हो गया अच्छा सो बेसिकली डिबेंचर हाँ ये ये एंट्री है दिस इज द एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू एक्स परसेंट डिबेंचर टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम तो ये क्या होगा दिस इज द प्रीमियम दैट यू आर पेइंग ऑन रिडेम्पशन एंड सेम यही यहां पे भी होगा राइट right?

ये वो वाला केस है जब ही दोनों आप डिस्काउंट पे इधर भी इशू कर रहे हो यहां पे भी आप खा रहे हो लात और वहाँ पे आप इशू भी कर रहे हो, uh, मतलब कर रहे रहे हो हो मतलब रिडीम और डिस्काउंट uh, पे यानी कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो टोटल यहां पे आ जाएगा नाउ इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम तो यहां पे अपने को लॉस हो गया यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हुआ तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर डिबेंचर अलॉटमेंट लॉस नाउ दिस इज द प्रीमियम ऑन ये आपका डिबेंचर हो गया ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया जो प्रीमियम आपको मिला ठीक है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्शन डिबेंचर अकाउंट यानी कि देखो इसको देखो आप ध्यान से सो दिस इज़ द डिबेंचर अलॉटमेंट ठीक ये टोटल हो गया ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया राइट तो दिस एंड दिस विल मैच ध्यान देना फॉर एग्जाम्पल आपने डिबेंचर अलॉटमेंट मिला डिबेंचर uh, अलॉटमेंट है सौ रुपए का देखते रहना ठीक डिबेंचर में मेरे को मिला नब्बे रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम का दस रुपये यह मैच कर गया अब मैंने मान लेते हैं इसको अस्सी पे रिडीम किया तो बीस का लॉस बीस का लॉस एंट्री टैली कर गई राइट ये जो लिखा हुआ है ना इसकी हेल्प से आपको चीजें समझ में आएंगी अच्छे से ओके तो इसको आप कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं जो बच्चों को इसमें श्योरिटी नहीं है वो कंपाउंड एंट्री ना पास करें नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पेबल इन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हम जब पे कर रहे हैं डिबेंचर पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट क्या होता है वही होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल यही तो होता है इंस्टॉलमेंट डिबेंचर पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन डिबेंचर इशूड एट पार वैन एक्सेस मनी इज रिफंड एडजस्टेड फॉर फ्यूचर कॉलेंचरूम बैंक अलॉटमेंट सेम है सब कुछ वही वाली बातें फिर से बता रहा है डिवेंचर्स इशूड एट प्रीमियम ये कब होता है मतलब जो बातें ऊपर बोल चुका है वही सारी बातें बता रहा है बस ये देख लीजिएगा ये जो बोल्ड में है यहां पे दिस वन डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट कूल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इज कंसिडर्ड एज इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट एक्सपेंस कोलेटरल सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ होता ही नहीं है कहने का मतलब है कंपनी अपने खुद के डिवेंचर्स इशू करती है कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह और कोई एक फ्लक्चुएटिंग ओ डी या फिर कोई लोन लेती है तो आप बताओ क्या होगा इसमें एंट्री ये होगी कि आपके पास और लोन आ गया और आपने अपने मतलब कहने का मतलब है कि इसमें दो मेथड्स होते हैं फॉर शोइंग दीज टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स पहला ऐसा होता है जिसमें कोई एंट्री हम करते ही नहीं हैं सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देते हैं वाई बिकॉज हमारे डिबेंचर्स कहीं चले थोड़े ना गए हमारे डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है लाइबिलिटी है लेकिन ये कहीं गए नहीं है वाई बिकॉज ये हम लोगों ने सिर्फ एक आ, उसकी तरह दिया है क्या बोलते हैं वी हैव जस्ट गिवन इट लाइक वॉट किसी को पेपर्स दिए हैं गिरवी पे तो एंट्री नहीं करेंगे फर्स्ट मेथड में हम एंट्री नहीं कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देंगे देखिए क्या लिख रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरिंग सिक्योर्ड लोन लिया और नीचे लिख दिया कि भैया एक करोड़ रुपए लेने के लिए हमने डेढ़ करोड़ के अपने कोलिटरल इशू कर दिए हैं इनको एज अ सिक्योरिटी पहला मेथड नंबर टू की बात करते हैं तो मेथड नंबर टू में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे डिबेंचर्स को जिसको कोलिटरल सिक्योरिटी की तरह हम लोगों ने डाला है इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ना कि हम लोगों ने लोन लिया अब लोन लिया तो इसकी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन वो तो एंट्री हुई एक करोड़ की लेकिन अभी हम ताज़ा ताज़ा डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एक करोड़ के नहीं डेढ़ करोड़ के उसके लिए हमें कोई पैसा तो मिला नहीं वरना एंट्री होती है, बैंक हमारी बैलेंस शीट में आ भी गया और उधर के उधर ये बैंक को चला भी गया एज सिक्योरिटी तो डिबेंचर सस्पेंस टू तो डिबेंचर और एक एंट्री तो हुई बैंक डेबिट टू तो लोन ठीक है तो डिबेंचर सस्पेंस कहा होगा साइड में क्यों क्योंकि लाइबिलिटी साइड से मैच करना है ना टू परसेंट डिवेंचर लाइबिलिटी साइड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देश इशू ऑफ डिचर्स इन कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश अगेन वेरी सिंपल कहने का मतलब है हम लोगों ने किसी से कैश नहीं लिया अभी ऊपर बताया था सेकेंड यूनिट में यहाँ पे हम लोगों ने किसी का बिजनेस नहीं लिया तो किसी का बिजनेस लिया मैंने मैंने आपका एक्स का बिजनेस लिया तो मेरी एंट्री क्या होगी एडसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी और टू जो परचेज कंसिड्रेशन है तो टू वेंडर्स जाएगा राइट right? और फिर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स तो हम लोगों ने वेंडर्स को कैश देने की बजाय अपना डिबेंचर इशू कर दिया ये एंट्री भी कैंसिल हो गई ये बैलेंस शीट में आ गए और डिबेंचर्स बैलेंस शीट में आ गया अच्छा इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन कि कितना आप डिबेंचर्स इशू करेंगे तो जो परचेज कंसिडरेशन है किसी के एसेट्स लिए तो एसेट माइनस लाइबिलिटी देना है परचेज कंसिडरेशन सौ करोड़ सौ करोड़ को डिवाइड करो कि तुम्हारे पर डिबेंचर की वैल्यू क्या है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ऑफकोर्स इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं बिकॉज लेट सपोज कि आपने Uh, क्या कहते हैं कि दो टाइप के आपके लॉस होते हैं कैपिटल लॉस होता है ये एक कैपिटल आपने आपने तो में डाल दोगे बर्बाद हो जाओगे आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा सो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इज एमोटाइज ओवर अ पीरियड बिटवीन इशू डेट एंड द रिडेमशन डेट जितने साल के लिए पैसे यूज कर रहे हो उस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन आपका रिडेमशन क्या है तो हो सकता है कभी कभी रिडेमशन मतलब कहने का मतलब है कि, राइट uh, ऑफ कैसे करना है तो हो सकता है कि आप हर साल इक्वल डिबेंचर्स पे ऑफ कर रहे हो या फिर आप बुलेट में पे ऑफ करोगे यहां पे आपने एक करोड़ लिया आप एक करोड़ यहां का कर, यहां ही करोगे वरना आप क्या कर सकते हो कि आप ट्वेंटी 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 कर रहे हो या फिर यहां पे एक करोड़ दे रहे हो तो उस हिसाब से आप राइट ऑफ करोगे आपने कितने टाइम के लिए यूज किया डिबेंचर्स के मनी को राइट right? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज एमोटाइज ओवर अ पीरियड बिटवीन द इशुएंस डेट एंड रिडेमशन डेट इट शुड बी रिटन ऑफ इन द फॉलोइंग मैनर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ रिडेमशन इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर अ सर्टन पीरियड Uh, जैसे मान लेते हैं कि आज आपने डिबेंचर लिया एक करोड़ का और उस उसपे आपको लॉस हुआ यानी कि आपने डिस्काउंट दिया बीस लाख रुपए का और यह पांच साल के लिए यूज कर रहे हो पैसा तो पांच साल बीस लाख डिवाइड बाय पांच फाइव ट्वेंटी चार लाख चार लाख 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 आप डाल दोगे राइट नाउ इफ द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड एट डिफरेंट डेट्स द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी ऑफ इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डराइव फोर एक्साम्प यहा था हम लोगों ने डेप्रिएशन यूनिट्स वाला मेथड किया था कि भाई कितने प्रोडक्शन यूनिट्स कर रहे हो कितने क्या कर रहे हो तो कहने का मतलब है कि लेट्स सपोज Mm, आपने जैसे आपका बीस लाख रुपये डिस्काउंट है अब बीस लाख को वो डिवाइड बाई फाइव कर सकते हो फाइव फोन ट्वेंटी हर साल पाँच चार लाख रुपये आप जो है राइट uh, ऑफ करो या फिर आप क्या कर सकते हो यू कैन सिंपली डू वन थिंग कि आप देखो कि ये जो एक करोड़ रुपये का लोन है ये कितने टाइम के लिए आउटस्टैंडिंग है हो सकता है पहले साल मैंने बीस लाख दिया हो दूसरे साल मैंने तीस लाख दिया हो चौथे साल मैंने कुछ नहीं दिया हो सो सी हाउ मच ऑफ मनी यू आर यूजिंग जितना मनी आपने यूज़ किया है उसके वेटेड एवरेज के हिसाब से आप पी को राइट ऑफ करोगे पी में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है क्या फॉर एग्जाम्पल ये है इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना आपको समझ में आ जाएगा मैंने मेथड नंबर टू में क्या बताया आप खुद सोचो ना डिबेंचर फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर आउटस्टैंडिंग बिफोर रिडेम्पशन हम लोगों ने 20 लाख रुपए लिए अब 20 लाख रुपए में हमारा यहां पे लॉस देख लो कितना है कि भाई दस रुपए का था नाइन पॉइंट फोर पे लिया तो पॉइंट सिक्स का डिस्काउंट है तो इसको हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इट विल बी ट्वेंटी लाख और फिर एक साल में हम लोगों ने चार लाख रिपेये किया आउटस्टैंडिंग है छह लाख फिर हम लोगों ने चार लाख रिपेये किया बारह लाख आठ लाख चार लाख तो इसका रेशियो निकाल लो और इस रेशियो में डिस्काउंट को लॉस को राइट ऑफ कर दो फॉर एग्जांपल ये टोटल हुआ फिफ्टीन तो फाइव बाय फिफ्टीन फोर बाय फिफ्टीन इतना सिंपल है जी नेक्स्ट हम बात करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो इंटरेस्ट जब हम ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है देखो टू डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है हमको देना है तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और टू डिबेंचर बढ़ जाएगा फिर डिबेंचर वालों को पैसे देंगे डिबेंचर टू बैंक टू टी डी एस डिबेंचर्स को हमें जब डिबेंचर होल्डर्स को हम कुछ पैसे दे रहे हैं इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट पर टीडीएस काट के देते हैं फॉर एक्जाम्पल अगर डिबेंचर अगर तुम एक डिबेंचर होल्डर हो और तुमको सौ रुपये मिलने वाले हैं तो कंपनी सौ रुपए देगी लेकिन कंपनी तुमको कुछ कुछ देगी और कुछ पैसा वो टी डीएस काट लेगी उसका परसेंट क्या होता है मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली आप लोग सी एंटर में पढ़ोगे इंटरेस्ट अकाउंट डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डिबेंचर होल्डर्स टू टी पेबल, टू बैंक, बैंक टी गवर्नमेंट को चला जाता है और हम कितना कंपनी कितना करेगी पूरा कंपनी का तो सौ रुपए जा रहा है ना ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा और इस तरीके से आपका डिबेंचर भी खत्म मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन में